Hey friends, welcome and welcome back to my channel. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू फेस पैक जिसको अप्लाई करके आप पा सकते हो ग्लोइंग स्किन. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज. सो बिना देरी किए चलिए फेस पैक को कैसे बनाना है उसके प्रोसीजर मैं आगे आपको दिखाऊंगी. लेकिन उससे पहले मैं उसकी उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ. सो जो हमारे फर्स्ट फेस पैक है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं बेसन, आटा, रॉ मिल्क एंड लेमन जूस. आपने सही सुना है, मैंने आटा ही बोला है. आप घर पे आटे को रोटीज़ और पराठे बनाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हो, लेकिन अब आप उसको फेस पैक बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आटे में है बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि आपके फेस को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी हद तक मदद करती है. और जिनकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है वो तो इस फेस पैक को ज़रूर यूज़ करें. इसको यूज़ करने के बाद उनको एक मेसिव डिफरेंस फील होगी, उनकी ऑयलनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. आप कमेंट में मुझे बताना इसको यूज़ करने के बाद. बेसन के बारे में तो हर किसी को पता ही है, बेसन आपके टैन रिमूवल में मदद करती है, आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है. एंड बेसन आपकी स्किन में अगर कोई फंगस इफेक्ट हुआ है आपकी स्किन को तो उसको भी ट्रीट करने के लिए बेसन काफ़ी हद तक मदद करती है. सो लेमन जूस ऑल्सो, लेमन जूस में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है सो ये आपकी स्किन को यंगर दिखाने के लिए मदद करती है. एंड रॉ मिल्क आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. सो चलिए देखते हैं इस फेस पैक को कैसे बनाते हैं. इसको हम फेस पे अप्लाई करते हैं. मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है. अब हम इस पर फेस मास्क अप्लाई करने वाले हैं. हमने एक थिक कोटिंग अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है. अब हम इसको 20 मिनट्स रखेंगे फिर उसके बाद अपने फेस वॉश कर लेंगे. तो मुझे 20 मिनट्स के तो 20 मिनट्स के बाद हमने फेस को वॉश कर लिया है. यू कैन सी द रिफ्रेश ऑन माय स्किन. यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस पैक फॉर समर. तो हमारे जो नेक्स्ट फेस पैक है उसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं बेसन, हल्दी, लेमन जूस एंड हनी. चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं.
मॉइस्चर इज रेडी। अब इसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यू हैव टू ट्राई दिस फेस पैक। सो हमने एक थिक कोटिंग अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर वॉश करने के बाद। अब मैंने फेस को वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी द ग्लोनेस ऑफ माई स्किन। मस्ट हैव टू ट्राई दिस। सो गाइस, टू फेस पैक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया और उसको कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसेस भी दिखा दिया। तो आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? आप भी फेस पैक को बनाइए और घर पे अप्लाई कीजिए। इन कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सी फेस पैक आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल हो रही है और आपकी स्किन में ज़्यादा इफेक्ट दिखा रही है। और एक बात करिए, इसको एक ही बार अप्लाई करने से आपकी त्वचा की निखार या फिर कॉम्प्लेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखना चाहते हो तो आपको इन फेस पैक को दो बार नहीं तो कम से कम एक बार ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद ही आपकी फेस में इम्प्रूवमेंट्स देख पाओगे। तो इसको हफ्ते में एक बार जरूर अप्लाई। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।